हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिसाइल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके वीवो के Y50 मॉडल में यदि इसका माइक वर्क नहीं करता है तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं माइक का जो कम्प्लीट वेज है उसको आपको कम्प्लीट बताने के साथ साथ आपको समझाने भी वाला हूँ कि इसमें जो हमारे माइक के अंदर दो वोल्टेज होता है, एक इसका पॉजिटिव वोल्टेज आता है और एक रहता है इसका बायस का वोल्टेज। बायस का वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है वीवो Y50 का मदरबोर्ड और ये है इसका सीसी बोर्ड। और दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आता है इसका माइक, ठीक है। ये वाला माइक है, उसमें से जो यहाँ पर दो पॉइंट रहते हैं, ऊपर इधर दो रहते हैं और इधर ये वाला, जो ये वाला रहता है ये तो हमारे इसका ग्राउंड का पॉइंट होता है। और उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है वो है हमारे इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है। अब बायस का वोल्टेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारा माइक का काम क्या होता है, हमारा माइक का काम होता है कि ऑडियो सिग्नल को जो हम बोलते हैं उस ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है ये हमारा माइक, ठीक है। और ये सब करने के लिए माइक के अंदर एक सर्किट होता है और उस सर्किट को काम करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उसको हम कहते हैं बायस का वोल्टेज। आया समझ में, ठीक है। बायस का वोल्टेज क्या होता है, हमारे माइक के अंदर जो सर्किट होता है उस सर्किट को काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वो होता है बायस का वोल्टेज। और उसके बाद दोस्तों, जो इस वाले पिन पर आता है वो होता है हमारे इसका माइक का पॉजिटिव वाला वोल्टेज। अब दोस्तों, ये सप्लाई कहाँ जाती है तो उसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर इसके पीछे की तरफ आते हैं। इसके देखो, ये है इसका ईयरफोन का जैक है और इसके ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो ये वाला कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कैपेसिटर, इस पर तो आता है हमारे इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है, जिसको मैं बी से लिख देता हूँ। बायस का वोल्टेज आता है, इस कैपेसिटर पर आता है, उसके बाद हमारे इस वाले रजिस्टर पर जाता है और उसके बाद इस रजिस्टर से वापस आउट होता है। अब दोस्तों, अगर आपका ये वाला रजिस्टर भी अगर निकल जाता है तो भी आपका यहाँ पर माइक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज होता है वो आता है हमारे यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर जो आप देख सकते हैं, इस पर मैं पी लिख देता हूँ। पी मतलब हमारा जो पॉजिटिव वाला वोल्टेज वो इस पर आता है, उसके बाद इस वाले पॉइंट पर जाता है, उसके बाद हमारे इस वाले पॉइंट पर आता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, हमारा जो मेन कनेक्टर है इस मेन कनेक्टर पर आ जाता है, सॉरी, ये सीसी बोर्ड का जो कनेक्टर है सीसी बोर्ड का, उसमें आ जाता है। उसके बाद जो 5-6 नंबर पिन होती है, जब आप इधर से काउंट करोगे तो 6 नंबर पिन पर आता है हमारे इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है। आप काउंट कर लेना, 3, 3, 6, इस 6 नंबर पिन पर आता है हमारे इसका बायस का वोल्टेज, ठीक है। 6 नंबर पिन पर बायस भी लिख देता हूँ और पिन नंबर 6 पे, ठीक है, 6 नंबर पर बायस वोल्टेज आता है। और उसके बाद जो 7 नंबर पिन है, ठीक है, 7 नंबर पिन पे आता है हमारे इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों, जो हमारे ये मेन कनेक्टर हैं, इस मेन कनेक्टर पर आ जाता है, इधर से आप जब काउंट करोगे तो 6 नंबर पिन पे, इधर से काउंट करोगे तो 6 नंबर पिन होती हैं, उस 6 नंबर पिन पर हमारे इसका माइक का बायस वोल्टेज आता है, जिसको मैं बी से लिख देता हूँ। और उसके बाद में 7वें नंबर पर आता है इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 7वें नंबर पर इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, ये आता है हमारे यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये ऑडियो आईसी है इसके पीछे की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे इसका सिम ट्रे है। और सिम ट्रे के नीचे की तरफ जो ये वाले ऑडियो आईसी है, इसके अंदर दो ऑडियो आईसी, एक ऑडियो आईसी ये भी है और एक ऑडियो आईसी ये भी है। जो हमारा लाउड स्पीकर है उसका कनेक्शन हमारे इस ऑडियो में रहता है, और उसके बाद हमारे इसमें इस वाली ऑडियो आईसी में हमारा ईयर स्पीकर, और इसमें ईयर स्पीकर के बाद में इसका माइक का कनेक्शन इस वाली आईसी के अंदर रहता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, हमारा जो पॉजिटिव वाला वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं, इधर जो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे उसमें से जो तीसरे नंबर पर कैपेसिटर है उस पर हमारा इसका पॉजिटिव वाला वोल्टेज आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इस आईसी में चला जाता है। और उसी तरीके से दोस्तों, जो इसका बायस का वोल्टेज होता है वो बायस का वोल्टेज आपको इसके इधर जो आपको ये कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आता है इसका बायस का वोल्टेज, और उसके बाद हमारे साउंड आईसी में चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों, हमारे इसमें इसका वेज होता है। अगर आपका ये वाला कैपेसिटर भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो भी आपके यहाँ पर माइक वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है कि आपका फॉल्ट कहाँ पर है, वो तो यार दोस्त आपको अपने मोबाइल में चेक करना पड़ेगा। मैंने तो इसका कम्प्लीट ट्रैक आपको बता दिया है कि हमारे किन कॉम्पोनेंट से होता हुआ हमारे कहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। तो दोस्तों यार, अगर इसमें आपको अगर कुछ डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।